छत्तीसगढ़ में चुनाव का आगाज होते ही सभी पार्टी के दावेदार अपना जनसंपर्क आम जनता के बीच कर रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी विजय बघेल ने दुर्ग शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एक होटल में पहुंचकर खुद ही डोसा बनाया और होटल में आए ग्राहकों को सर्व किया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए जनसंपर्क के दौरान क्या क्या नहीं करते, इसी कड़ी में कुछ ऐसा ही नजारा दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में नजर आया, जिसे भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी दुर्ग में जनसंपर्क के दौरान विजय बघेल एक दुकान में डोसा बनाते और सर्व करते भी दिखाई दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने विजय बघेल के हाथों बनाए गए डोसे का भरपूर लुत्फ उठाया। इस दौरान प्रत्याशी की इस सादगी को लोगों ने भरपूर सराहा। बता दें, दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव के साथ व्यापक प्रचार प्रसार में भाजपा कार्यकर्ताओं की टोली निकली थी। इस दौरान विजय बघेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि झीरम घाटी कांड का सबूत जेब लेकर घूमने की बात कहने वाले भूपेश की सरकार 5 साल रही, पर उन्होंने पेश नहीं किया। क्या उनकी जेब फट गई थी? और कवासी लखमा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस पर झीरम घाटी कांड को लेकर उंगली उठी थी, क्या वो मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे? आज बड़ा जोश और खरोश के साथ दुर्ग के हमारे माननीय विधायक गजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में संगठन के सभी लोगों ने और एक एक कार्यकर्ता भाई बहनों ने पूरे जनता जनार्दन को लेकर पूरे जोश खरोश के साथ आज दिन भर यहाँ जनसंपर्क किए। लोगों का अपार प्रेम अपीर इसमें मिल रहा है। लोग स्वयं कह रहे हैं कि आप जीत गए, आपको जीत की बधाई, तो ये हमारी जीत को और आगे प्रोसेस कर रहा है। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी को कितना विश्वास लोगों का है, और व्यक्तिगत मेरे ऊपर एक भाई की तरह, एक यार की तरह, एक साथी की तरह कितना प्यार लोग मुझे करते हैं। बहुत जोर जोर से चल रही है, जोर शोर से, और 9 के 9 विधानसभा में उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता भाई बहन और जनता जनार्दन उस महारैली में पधारेंगे जहां पर माननीय विष्णुदेव साय जी आ रहे हैं। वो अखल जो असल में भाजपा में प्रवेश किया है, उनका कहना यह है, उन्हें राहुल असल में ये बौखला गए हैं, ये पगला गए हैं, ये इनकी दिमाग सठिया गई है। ये लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, और जब मानसिक विक्षिप्तता आती है ना लोगों में, तब इस तरह की हरकत करते हैं। और ये दिख रहा है झीरम घाटी में जिसका नाम शक के दायरे में था, वो व्यक्ति बोलेगा मोदी जी के बारे में बोलेगा? शर्म आनी चाहिए। माननीय चरणदास महन जी ने थप्पड़ उठाया था उनके ऊपर, क्यों उठाया था? क्यों? झीरम घाटी में असली जो शक के दायरे में थे वो लखमा थे, और यही उसके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते थे, मेरे जेब में सबूत है, 5 साल सरकार में रहे, कहाँ है वो सबूत? क्या जेब फट गई क्या, नोटों में भर गया क्या? तो इस तरह के सवाल जवाब ना करें और अपने बयान, अपने जुबान को ठीक करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक छोटे कार्यकर्ता आता है, इनकी जुबान को कैसे ठीक कर की जाती है? जांच रिपोर्ट जल्द आएगी, अभी सरकार हमारी बनी है, अब आगे देखते होगा क्या। चंद्रशेखर शुक्ला ने ऐसा ही हो रहा है, कांग्रेस का गढ़ पूरी तरह ढह रहा है। बहरहाल दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव के साथ व्यापक प्रचार प्रसार में भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी टोली ने हिस्सा लिया। सभी ने मिलजुल कर एक साथ प्रचार किया। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।